गर्मियां शुरू हो चुकी हैं और इसीलिए आज जो हम प्रोडक्ट आपको वीडियो डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं वो है एक पर्सनल टावर कूलर। और इतने कॉम्पैक्ट डिज़ाइन में ये पर्सनल टावर कूलर आता है और ब्रांड जो है वो है कैल्विनेटर ब्रांड। कैल्विनेटर ब्रांड इस प्रोडक्ट को बनाता है और हमने इस प्रोडक्ट को आज इसीलिए पिक किया डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कि इतने कॉम्पैक्ट साइज़ में ऐसे डिज़ाइन में एक पर्सनल टावर कूलर अगर आपको मिल जाता है तो गर्मियाँ काफ़ी अच्छे से कट सकती हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से आप गर्मियों को इन्जॉय कर सकते हैं। आई एम धीरेन्द्र एंड वेलकम टू expertdemo.com। कैल्विनेटर के इस पर्सनल टावर कूलर की एक और बहुत ही खास बात है कि जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पे इसको यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बहुत कम है, इसीलिए आप इसको इन्वर्टर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन्वर्टर पे भी उतनी इफिशियंसी से काम करेगा जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है। तो इसके फीचर्स के बारे में अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि 10 लीटर का वाटर का टैंक कैपेसिटी इसमें मिल जाता है हमको, जो कि इंश्योर कर देता है कि तकरीबन 6 घंटा ये नॉन स्टॉप वर्किंग करेगा विदाउट रीफिलिंग वाटर। और दूसरी बात कि इसका जो कूलिंग एरिया है तकरीबन 80 से 90 फीट का अगर कोई रूम है एरिया है तो उसको अच्छी तरीके से ये कूल कर लेगा। और साथ ही साथ बात करें तो इसमें लगा होता है हाई स्पीड ब्लोअर। ब्लोअर का मतलब यही है कि यूजुअली जो कूलर में बड़े फैंस लगे होते हैं तो कॉम्पैक्ट साइज़ नहीं हो पाता है, लेकिन कॉम्पैक्ट साइज़ होने की वजह से इसमें ब्लोअर लगा हुआ है अंदर जो कि बहुत ही हाई स्पीड ब्लोअर है, वो उसकी इफ़िशियंसी काफ़ी अच्छी हो जाती है। एयर थ्रो का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है और अच्छी तरीके से एयर को पूरे रूम में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो हमें मिल जाता है इसमें एक हाई स्पीड ब्लोअर अंदर लगा हुआ। अगर इसकी फंक्शनैलिटी की बात करें हम तो इसमें दिए जाते हैं 3 स्पीड कंट्रोल। तो 3 स्पीड कंट्रोल का एक ये जो नॉब दिया हुआ है यहाँ पे स्पीड वाला नॉब है ये, और दूसरा जो नॉब दिया हुआ है वो स्विंग के लिए नॉब दिया गया है। तो स्पीड कंट्रोल के नॉब से हम 1, 2, 3 मतलब मीडियम, लो और हाई स्पीड में हम इसको चला सकते हैं जैसी हमें ज़रूरत है। और जो दूसरा स्विंग वाला फंक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप ऑन ऑफ करके स्विंग को ऑन कर सकते हैं। और स्विंग का मतलब ये हो गया कि अंदर जो इसमें लोअर दिया गया है, एक तो ये फ्रंट वाला लोअर हो गया जिसको आप मैनुअली ऊपर से नीचे आप ऐसा सेट कर सकते हैं इसको, और एक इसके अंदर भी लोअर दिया होता है जो कि हॉरिजॉन्टल होता है, लेफ्ट से राइट पैन करेगा वो और वो ऑटोमेटिक काम करेगा। तो उसी का स्विंग वाला जो फंक्शन है वो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। अगर मैं स्विंग फंक्शन को ऑन करूँ और अगर आप देख पा रहे होंगे तो वो लेफ़्ट टू राइट ऐसा ऑटोमेटिकली मूवमेंट करना शुरू कर देगा। तो यूजुअली ये सारे जो फीचर्स हैं ये काफ़ी हाई एंड कूलर्स में आते हैं, काफ़ी बड़े साइज़ के कूलर में आते हैं, बट इतने कॉम्पैक्ट डिज़ाइन में भी इस फंक्शन को इन्होंने दिया है तो ये बहुत अच्छी बात है कंज्यूमर के लिए अगर हम बात करें। अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात करें प्रोडक्ट की तो इसमें हमें अंदर जो मिल जाती है वो कॉपर मोटर मिल जाती है, और कॉपर मोटर का मतलब ये है कि काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वो अच्छी रहेगी, वो ख़राब नहीं होगी और आपको परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। तो हमें मिल जाती है इसके अंदर कॉपर मोटर। अगर हम इस कैल्विनेटर के पर्सनल टावर कूलर की कंपैरिजन अगर नॉर्मल फ़ैन से करें तो परफॉर्मेंस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमको समझ में आएगा। जैसे कि फ़ैन कूलिंग तो करता ही नहीं है, लेकिन इस तरह का हम कॉम्पैक्ट साइज़ अगर टावर कूलर हम यूज़ करते हैं तो हमें अच्छी कूलिंग भी मिलेगी। साथ ही साथ हम बात करें एयर थ्रो की तो तकरीबन 9 से 10 फीट की एयर थ्रो हमें इस तरह के पर्सनल जो टावर कूलर है उसमें मिल जाती है, जबकि फ़ैन जो है वो 4 से 5 फीट ही कवर करता है। इसके अलावा बात करें तो फ़ैन तकरीबन 400 राउंड पर मिनट की स्पीड से घूमता है तो हवा भी बहुत कम आती है, लेकिन हम हाई स्पीड ब्लोअर लगे होने की वजह से 1350 राउंड पर मिनट की स्पीड से जो ब्लोअर घूमता है तो एयर जो है वो काफ़ी क्वांटिटी में थ्रो करता है, काफ़ी यूनिफॉर्मली थ्रो करता है पूरे रूम में, तो जो कूलिंग इफेक्ट है वो काफ़ी अच्छा होता है। इसमें लगा होता है अंदर हनीकॉम पैड्स। तो हनीकॉम पैड्स एक तरीके के होते हैं, और दूसरा जो ट्रेडिशनल कूलर्स होते हैं उसमें वुड वूल पैड्स लगे होते हैं जो घास वाले पैड्स होते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा इसको हनीकॉम पैड्स किस तरह के होते हैं और वो उसके फ़ायदे हैं वो कैसे। तो सिंपल सा ये एक जो मेश दिया हुआ है हनीकॉम पैड्स के ऊपर, इसको मैंने ऊपर कर दिया और इस तरीके से अगर आप देख पा रहे होंगे कि इसमें अंदर जो लगा हुआ है हनीकॉम पैड लगा हुआ है। तो यूजुअली जो नॉर्मल पैड्स पुराने ट्रेडिशनल कूलर्स में आते थे उनकी लाइफ भी बहुत कम होती थी, कचरा भी बहुत फैलाते थे, कूलिंग भी कम होती थी, लेकिन इन हनीकॉम पैड्स की मदद से कूलिंग की जो एफिशिएंसी है वो दुगने से भी ज़्यादा बढ़ जाती है कंपेयर टू ओल्ड जो पुराने कूलर्स हैं उनसे। साथ ही साथ जो पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जब पानी इसके ऊपर आता है तो पानी पूरी तरह से पूरे पैड में स्प्रेड होता है, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिससे कि जो हवा अंदर जाती है इन पैड से वो अच्छी तरह से कूल होके और फिर आपको मिलती है। तो कूलिंग जो है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है अगर हम कंपेयर करें नॉर्मल कूलर्स से। तो इसके अलावा इसमें एक और फीचर है, इसके ऊपर एक एयर फिल्टर मेश भी दी गई है। इस मेश की मदद से अंदर जो भी हवा जा रही है उसमें जो भी कचरा रहता है वो कचरा ऊपर ही फिल्टर हो जाएगा और अंदर जो हवा जाएगी वो छनी हुई हवा जाएगी, जिससे कि आपको जो ठंडी हवा मिल रही है, जो कूलिंग मिल रही है, वो भी आपको फिल्टर्ड वे में मिल रही है। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर इन्होंने दिया हुआ है। अब आपको बता देते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इसको यूज़ कैसे करना है आपको। अब बात आती है कि इसमें पानी कैसे भरना है। पानी भरने का बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म इसमें दिया हुआ है
ये जो ऊपर यहाँ पे एक फ्लैप दिया हुआ है इसमें, अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैं इसको ओपन करता हूँ, ये फ्लैप आ गया। यहाँ से आप पानी इसमें भरना है आपको। फिर आप कोई भी एक छोटा मग ले लीजिए जिससे कि आप आसानी से पानी डाल सकें, जिससे कि जो स्पिलेज है पानी का जो फैलना है वो आप रोक सकें। तो हमने एक छोटा मग ले लिया है और उससे हम सीधे इसमें पानी भर देते हैं। और पानी भरने के साथ साथ आपको ये ध्यान में रखना है कि ओवरफ्लो आप ना करें, उसके लिए आपको यहाँ पे वाटर लेवल इंडिकेटर दिया गया है। अब ये वाटर लेवल इंडिकेटर आपको ये बताएगा कि पानी कितना भरना है इसमें। तो जैसे ही पानी यहाँ ऊपर तक आ जाए, मैक्सिमम तक आ जाए, हाई तक आ जाए, तो आपको फिर हटा देना है। और उसके बाद जब आप कूलर यूज़ कर रहे हैं तो वाटर लेवल इंडिकेटर की मदद से आपको ये भी पता चलेगा कि जो पानी है वो कितना कम हो गया है। तो जैसे ही पानी कम हो जाए इसमें तो आप फिर से रीफिलिंग भी कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा फीचर दिया है वाटर लेवल इंडिकेटर की मदद से, आप मॉनिटर कर सकते हैं कि पानी कूलर में कितना बचा है। आइए अब आपको बताते हैं कि कूलर को मेंटेन करने का तरीका क्या है ताकि आपका जो कूलर है वो लॉन्ग टर्म तक अच्छे से परफॉर्म करता रहे। तो सबसे पहले तो कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली हैं कि जब भी हम इसमें पानी डाल रहे हैं तो हम एक्सेस पानी ना फिल करें, ज़्यादा हम पानी ना भरें जिससे कि अंदर की जो मोटर है वो गीली हो जाए। दूसरी चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि अगर पानी ज़्यादा इसमें डलता भी है तो ओवरफ्लो का भी इसमें आउटलेट जो है वो दिया हुआ है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें ओवरफ्लो का भी आउटलेट दिया हुआ है, तो जो एक्सेस पानी है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सही सलामत बना रहेगा। इसके अलावा ये हो गया कि जैसे हम अगर काफ़ी मंथ तक हम यूज़ कर लेते हैं, फिर जब सीज़न ख़त्म हो जाता है, जब हमें कूलिंग की ज़रूरत नहीं है, तो हम यूजुअली क्लीन करते हैं प्रोडक्ट को। तो क्लीन करना भी बहुत ही आसान है, आपको देखना है कि जो भी बचा हुआ पानी है नीचे उसको आपको निकालना है। तो उसके लिए एक आउटलेट भी नीचे बॉटम में दिया हुआ है, इस रबर के नॉब को आप निकाल दीजिए सिर्फ खींच के, तो जो भी अंदर का जो बचा हुआ पानी पड़ा हुआ है वो यहाँ से आप अच्छे तरीके से उसको क्लीन कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि बेसिक क्लीनिंग जो है वो हनीकॉम पैड्स की कैसे करनी है और जो इसमें नेट लगी हुई है उसकी कैसे करनी है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब हमने एक सीज़न इसको यूज़ कर लिया, गर्मियाँ निकल गई, तो उसके बाद हम ये पोर्शन को क्लीन करके अच्छे से तभी हम कूलर को रखें, अगर हमें यूज़ नहीं करना है तो सिंपल है, जो इसकी जो एयर फिल्टर मैश दी गई है उसको आप इस तरह, ये जो नॉब दिए गए हैं इससे ऐसे पकड़ के आप थोड़ा सा बाहर को टिल्ट करके आप इसको निकाल सकते हैं अच्छे से। ये एक बार निकल गई आपकी मैश तो इस तरह की आपको मैश मिल जाती है। इसको टैप वाटर के नीचे आप रख के डायरेक्टली इस तरीके से वॉश कर सकते हैं अच्छे से। हार्ड कोई ब्रश मत यूज़ करिए, नॉर्मल आप हाथ से भी इसको ऐसा क्लीन करेंगे या हल्का कोई ब्रश लेके इसको ब्रशिंग कर देंगे तो अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा, और पानी से इसको धो दीजिए। तो सिंपल है बिल्कुल इसको क्लीन करना भी। इसके अंदर जो हनीकॉम्ब पैड दिख रहा है आपको, इसको आपको निकालना पड़ेगा और उसके बाद आप टैप वाटर के नीचे रख के इसको आसानी से क्लीन कर सकते हैं। और क्लीन करने के बाद आप ये ध्यान में रखिए कि इसको पूरी तरह से सुखाने के बाद ही इसको वापस से रीफिक्स करिए। तो निकालना और लगाना भी इसको बहुत ही आसान है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरह से आपको निकालना होगा। तो आपको जो लॉक दिख रहे हैं उन लॉक्स को आपको थोड़ा सा पुश करना है और फिर जो इसको पैड को है इसको खींचना है आपको। इस तरीके से हमने थोड़ा सा फंसा के लॉक से खोल दिया और अब ऊपर को उठाना है इसको इस तरीके से। तो आपने ये ऊपर को उठाया और जो हनीकॉम है आपका पैड है वो बाहर निकल के आ चुका है। फिर हम टैप वाटर में इसको रख के और आसानी से वॉश कर सकते हैं, और वॉश होने के बाद ये गीला हो जाएगा, उसको अच्छे से सुखा लीजिए आप, ड्राई हो जाएगा एक बार, ऐसा टाइट हो जाए, उसके बाद ही आप इसको रीफिक्स करें। तो रीफिक्स करने के लिए भी सेम है मैकेनिज्म बिल्कुल। सबसे पहले नीचे में आपको इसको इस तरीके से लगाना है, नीचे में आपको इस तरीके से आपने इसको फिक्स किया, फिर जो तीन लॉक बचते हैं इन लॉक को पुश करके आपको अंदर फिक्स कर देना है। तो ये अपनी जगह पे बड़े आसानी से फिक्स हो चुका है, तो जो आपका प्रोडक्ट है वो एज इट इज़ पहले जैसा हो गया है। इसको लगाने के बाद जो नेट है आपकी, नेट को भी इस तरीके से आप रखिए और जो इसमें एरिया दिया हुआ है उसको सीधे से धीरे से आप स्लाइड इन कर दीजिए। तो आपने स्लाइड इन किया, जो आपका प्रोडक्ट है वो फिर से यूज़ करने के लिए रेडी हो गया। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस पर्सनल टावर कूलर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने आज अच्छे से कवर किया, आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। और इस वीडियो डेमोंस्ट्रेशन को देखने के बाद अगर इस तरह का प्रोडक्ट आपके पास ऑलरेडी है या आप खरीदना चाहते हैं तो उसको और अच्छे तरीके से आप यूज़ कर पाएंगे, अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे और लंबे समय तक उसको यूज़ कर पाएंगे अच्छे से। आगे फिर इसी तरह के किसी और प्रोडक्ट के साथ मिलेंगे जो कि आपके लाइफ में, आपके घर में कुछ और वैल्यू एडिशन करे, कुछ और इम्प्रूवमेंट लेकर के आए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।